हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है थ्री फेज में डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है कि थ्री फेज क्या होता है, थ्री फेज का क्या एडवांटेज होता है सिंगल फेज पे, थ्री फेज के जो भी हमारे एडवांटेजेस तो रीजंस हैं उसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर हमने वहाँ पर देखा था लास्ट में स्टार कनेक्शन, और हमने स्टार कनेक्शन में एक रिलेशन को पढ़ा था, इवन डिराइव किया था स्टार कनेक्शन में। वो क्या था कि जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो अंडर रूट थ्री होता है फेज वोल्टेज के, ये हमने डिराइव किया था। और एक चीज़ और डिराइव की थी हमने वहाँ पे कि जो हमारी लाइन करंट होती है, ठीक है, वो बराबर होती है फेज करंट के। ठीक है, तो लाइन करंट फेज करंट के बराबर होगा और लाइन वोल्टेज रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब जो सेकंड हमारे पास कनेक्शन है वो है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा को आप इस प्रकार से भी बना सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये दोनों डेल्टा के ही साइन है। तो डेल्टा कनेक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे कि यहाँ पे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, फेज करंट और लाइन करंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि पावर हमारी कितनी होती है। इवन पावर का हमने वहाँ पे देखा नहीं था, यहाँ पे हम दोनों के पावर के बारे में देखेंगे, स्टार कनेक्शन में भी और डेल्टा कनेक्शन में भी पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप देख लो, ये हमारा एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है। ठीक है, आप इस तरह से भी बना सकते हो या फिर इस तरीके से भी बना सकते हो, जो आपको सही लगे। ये दोनों डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हमने फेज को नॉमिनेट कर लिया, मान लिया कि एक फेज हमारा आर है, ये वाई है, ये बी है। यहाँ भी कर सकते हो, ये आर है, ये वाई है, ये बी है। ठीक है, जो भी आपको मानना है आप मान लिया। तो हम एक को लेके चलते हैं, फिलहाल हमने इसको लेके चला कि ये हमारे पास एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है। ठीक है, ओके, और आर वाई बी, ठीक है, ये फेज वोल्टेज है, ये फेज हमारे हैं। तो इन फेज में जो वोल्टेज होगा, सपोज़ यहाँ जो वोल्टेज होगा वो हमारा फेज वोल्टेज होगा, यहाँ जो वोल्टेज होगा वो हमारा फेज वोल्टेज होगा, और यहाँ जो वोल्टेज होगा वो भी हमारा फेज वोल्टेज होगा। और इस पर्टिकुलर फेज में बहने वाली धारा जो होगी वो फेज करंट होगी, यहाँ भी बहने वाली धारा फेज करंट होगी और यहाँ भी बहने वाली धारा फेज करंट होगी। ठीक है, तो फिर लाइन वोल्टेज क्या होगा और लाइन करंट क्या होगा, इसको समझने के लिए थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं और इस प्रकार से समझते हैं। ठीक है, चलो, ये एक लाइन है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं इसको। बेटा माना कि ये हमारा आर है, ठीक है, ये हमारा वाई है और ये हमारा बी है, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, फ्रिक्वेंस क्या होता है, मैंने बताया था क्लास के टाइम में कि आर वाई बी, आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो, बी फॉर ब्लू, ये कलर के कोडिंग के पे हम करते हैं। तो जनरली होता क्या है हमारे साथ, जो सीक्वेंस होता है कि रेड के बाद वाई येलो आएगा, येलो के बाद ब्लू आएगा और ब्लू के बाद फिर रेड होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है, कैसे अभी इसको हम समझेंगे, फिलहाल ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें बहने वाली जो धारा है मान लिया वो है बेटा आई बी। ठीक है, आई बी, इसमें बहने वाली धारा जो है ये है आई आर,
और यहाँ बहने वाली धारा जो है वो है आई वाई, ठीक है। तो ये जो हमारी करंट फ्लो कर रही है आई बी आई आर आई वाई, ये इस लाइन में फ्लो कर रही है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं लाइन करंट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? लाइन करंट कहेंगे, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ जो हमारा पास इस फेज में, ठीक है, ये हमारा आर है और ये हमारा बी का पॉइंट है, ये हमारा वाई का पॉइंट है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि अगर यहाँ करंट जो है वो इस तरह से फ्लो करती है इस फेज़ में पर्टिकुलर, और ये जा रही है आर से बी, तो हमने इसको नाम दे दिया आई आर बी, ये मैंने बताया था, ठीक है। अगर करंट यहाँ से यहाँ जा रही है तो इसको हमने नाम दे दिया, क्यों? ये बी से जा रही है आर वाई की तरफ, बी से जा रही है वाई की तरफ इस डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे इसको? आई बी वाई, ऑलराइट। और फिर यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन ये होगी, पॉइंट वाई से आर की तरफ जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे? आई वाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोटिस करना है कि आई आर बी, आई बी वाई और आई वाई आर, ये करंट है जो फेज में बह रहे हैं, फेज मतलब जो हमारे डेल्टा के तीन फेज बने हैं, इन फेज में फ्लो कर रहे हैं, तो जनरली इन्हें हम इसीलिए कहते हैं फेज करंट, ठीक है। फेज में बहने वाली धारा जो है वो फेज करंट या फेज की धारा, और लाइन में बहने वाली करंट जैसे क्या आई बी आई आर आई वाई, इन्हें कहते हैं लाइन करंट, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे हम? लाइन करंट कहेंगे, ठीक है। तो इसको फिर समझते हैं, तो ये हमारा हो गया स्कीमेटिक डायग्राम। आप चाहो तो वोल्टेज का भी यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे इस फेज का वोल्टेज जो होगा वो ई आर बी होगा, क्यों? क्योंकि आर से बी के बीच का वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो ई बी वाई होगा, और यहाँ से जो वोल्टेज होगा बेटा वो होगा ई वाई आर, क्यों? क्योंकि वाई यहाँ है और आर ये है, ठीक है। ये वाई वाला पॉइंट है, ये आर वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, तो उसके नाम पे ये नॉमनक्लेचर रखा जा रहा है। आर से बी के बीच में है तो ई आर बी, ठीक है। आर से बी के बीच में है तो ई आर बी, बी से वाई के बीच में है तो हमने कहा ई बी वाई, और वाई से आर के बीच है तो ई वाई आर, ठीक है। ये सब कुछ सीक्वेंस से होता है, तो इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको याद कैसे हो जाएंगी? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप टर्मिनल को देखो, ये टर्मिनल आर है, ये बी है, ये वाई है, तो टर्मिनल को आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कौन सा टर्मिनल होगा, और धारा को प्रवाहित करा दो इसमें किसी भी डायरेक्शन में। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से बनाओ, आप अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से देख सकते हो। तो धारा जो है अगर हमने इस तरीके से प्रवाहित कराया, तो धारा हमारी ऐसे जा रही है, ऐसे और ऐसे जा रही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यही तो है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर नाम कैसे हमने रखा? करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, फिर से देख लेते हैं इस चीज़ को। करंट कहाँ से कहाँ जा रही है? आर से बी की तरफ जा रही है, मतलब आर से बी की तरफ इस डायरेक्शन में है ना, आर से बी की तरफ, तो नाम रखा आई आर बी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कहाँ से कहाँ जा रही है, बी से वाई की तरफ जा रही है, तो हमने क्या रखा आई बी वाई, और यहाँ कहाँ से जा रही है, वाई से आर की तरफ जा रही है, तो आई वाई आर, ठीक है। अब ये जब हमारा हो जाता है तो हम चलते हैं फेजर डायग्राम की तरफ, ठीक है। चलो चलो, फेजर डायग्राम क्या होता है, ठीक है, ये मैंने पहले बताया हुआ है कैसे ड्रॉ करते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, वहाँ भी बताया था पहले भी, कि जब भी हमारे पास कोई थ्री फेज सिस्टम होता है, ठीक है, थ्री फेज सिस्टम होता है, तो बैलेंस कंडीशन में जनरली, या बैलेंस कंडीशन में तीनों फेज के बीच का जो कोण होता है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम समझेंगे।
तीनों फेस के बीच का कोण 120 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास तीनों फेज में बहने वाली करंट पता है, क्या क्या हमको पता है तीनों फेज में बहने वाली करंट? एक हमको पता है कि आई वाई आर है, एक फेज करंट क्या है आई बी वाई है, और एक फेज करंट क्या है आई आर बी। अभी लास्ट डायग्राम में हमने इसको बनाया था, ये तीनों फेज करंट है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों के बीच जो कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो एक ड्रॉ किया, ठीक है, एक फेज ये बनाया, दूसरा फेज हमने ये बनाया, और तीसरा फेज हमने ये बनाया। ठीक, ये हमारे पास तीन फेज हो गए। ठीक है, एक को हमने नाम दिया आई वाई आर, ठीक है, आई वाई आर, फिर आई बी वाई, और एक को नाम दे दिया आई आर बी। अब आपको याद नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, जैसे रेड येलो ब्लू, ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो आप इससे आसानी से समझ लोगे। देखो यहाँ आर है, तो आर के बाद क्या आएगा बेटा, वाई आएगा, तो यहाँ आपको वाई मिला। वाई के बाद क्या आएगा, आपको बी मिला, तो यहाँ आपको बी मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ फिर बी है, ठीक है ना, तो बी के बाद क्या मिलेगा, आर मिलेगा, बी के बाद आर मिलेगा, फिर यहाँ आर मिला, आर के बाद फिर वाई मिलेगा, तो यहाँ वाई मिला। तो ये सीक्वेंस को आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, ये याद नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ से आया फिर। ठीक है, चलो अब हमको लास्ट जो हमने फिगर देखा था या लास्ट जो हमने डायग्राम बनाया था वहाँ पे अगर ध्यान दो, तो यहाँ पे बताना वहाँ मैं भूल गया, यहाँ फिर से बता देता हूँ कि वहाँ पे अगर हम KCL लगाते हैं किसी भी नोड पे, जैसे तीन नोड हमारे पास थे, हमने ऐसे बनाया था ना, तो एक हमारे पास नोड यहाँ था, एक नोड यहाँ था, और एक नोड यहाँ था। ठीक है, इन तीनों नोड पे अगर हम KCL लगाते हैं तो जनरली हमें क्या मिलेगा, आप देखोगे कि कुछ धाराएं आएंगी और कुछ धाराएं जा रही हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से करंट थी हमारी IB, याद करो, और यहाँ से करंट जा रही थी और यहाँ से करंट आ रही थी। तो आप देख सकते हो कि इस नोड पे एक धारा जा रही है इस डायरेक्शन में और दो धाराएं इससे दूर जा रही हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को फिर हम यहाँ भी यूज करेंगे। कैसे देखते हैं, हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने एक को सजेस्ट कर लिया कि हमारे पास क्या हो गया। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं यहाँ से कि रिजल्टेंट हमें निकालना है। ठीक है, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब कुछ ऑपरेशंस करते हैं। इसको हम बेटा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, किसको, इसको, ठीक है, पीछे की तरफ बढ़ाया, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया, ठीक है, और इसे भी पीछे की तरफ बढ़ाया। ठीक है, तो अगर ये आई आर बी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई आर बी होगा। ठीक है, माइनस ऑफ आई आर बी होगा। अगर ये आई बी वाई है तो ये माइनस में होगा आई बी वाई, क्योंकि पीछे की तरफ डायरेक्शन जब हमने बढ़ाया तो हमें ये मिला। और अगर ये आई वाई आर है तो ये माइनस ऑफ आई वाई आर होगा। ठीक है, चलो ये चीज़ तो क्लियर है। अब एक चीज़ और समझ लो, कोण क्या था, इसके बीच कोण 120 डिग्री, इसके बीच कोण 120 डिग्री, और इसके बीच कोण 120 डिग्री, क्योंकि तीन फेज हैं, तीनों के बीच कोण कितना होता है 120 डिग्री। फेज क्या क्या है, ये फेज है, ये फेज है, और ये फेज है। बाकी जो ब्लू कलर से बना ये क्या, इसका एक्सटेंशन है पीछे बढ़ाने पे। ठीक है, तो मेन हमारे पास ये फेज था। तो बेटा अगर 120 डिग्री है तो एक छोटा सा अगर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये 120 है और ये हम परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये 90 होगा परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा बचा हुआ, ये हो जाएगा 30। ठीक है, ये हो जाएगा 30। तो जैसे ही ये 30 होगा तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर ये 30 है
तो ये भी कितना होगा, ये हमारा 30 हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको। ठीक है, जैसे हमें ये मिला 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 है, अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये भी 30 होगा। ठीक है, ये भी, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 30 होगा तो ये भी हमारा 30 होगा, बगल में ये जो एंगल बन रहा है, तो टोटल यहाँ पे जो एंगल बन के आएगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये एंगल हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है बेटा, सिमेट्री हैं। सिमेट्री मतलब सममित है, अगर एक 60 बना रहा है तो दूसरा भी 60 बनाएगा, तीसरा भी 60 बनाएगा। ठीक है, तो एक को हम लेके चलते हैं, तो हम किसी एक को लेके चलते हैं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास दो है, एक आई वाई आर है, एक माइनस आई आर भी है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा। ठीक है, वैसे ही इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ मिलाओगे तो ये लाइन जाएगी ऊपर मिलेगी। ठीक है, रिजल्टेंट मतलब परिणाम। तो जैसे हम वेक्टर में पढ़ते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और बीच का जो हमें कोण पता है, तो रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं, तो इसी प्रकार से रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो ये जो रिजल्टेंट आया है बेटा, इसको हम कहेंगे आई आर, ये जो आया है इसको कहेंगे आई वाई, और इसको कहेंगे आई बी। ठीक है, चलो अब अगर ध्यान से मैं फिर से ड्रॉ करूं, सिर्फ एक को पकड़ूं, क्योंकि तीनों से रिजल्ट हमारे सेम आने वाले हैं, तो किसी एक को हम पकड़ते हैं। ठीक है, किसी एक को ड्रॉ करते हैं, तो हमने मान लिया कि इसको ड्रॉ किया, ये था आई वाई आर, ठीक है, और ये था, ये जो डॉटेड लाइन थी ना यहाँ पे डॉट वाली, ये थी माइनस आई आर बी। ठीक है, ये डॉटेड लाइन थी। अब इसका हम रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, और ये जो कोण होगा यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री होगा, तो और इसको हम कह रहे हैं आई आर। तो आई आर का जब मान लिखेंगे तो हम कैसे लिखते हैं, ये सब मैंने स्टार वाले कनेक्शन में भी किया हुआ है। ठीक है, तो आई आर का जब मान रखेंगे तो आई आर इक्वल टू अंडर रूट आई वाई आर का स्क्वायर प्लस आई आर बी का स्क्वायर प्लस टू, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेटा तो पॉजिटिव ही ले रहे हैं। ठीक है, आई आर बी, और दोनों के बीच का कोण था 60 डिग्री, तो कॉस 60, ये होता है रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे हमने क्या कहा था कि सारे के सारे फेज आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, और ये भी इक्वल होगा। और आपको पता है कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो जैसे ही इसको हम बेटा 1/2 करेंगे, ठीक है, इसकी जगह, इसको जगह 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, उसको लिख लेते हैं। रिज़ल्ट हमारे पास बचेगा, अगर मैं इन सारे फेज को बोलता हूँ कि अगर ये फेज आई पी हैं, तो ए आई पी स्क्वायर प्लस आई पी इंटू आई पी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया था। ठीक है, और आई आर क्या है, आई आर को हम बेटा कहते हैं लाइन करंट, क्योंकि लाइन में करंट बह रही थी आर में, तो ये लाइन करंट हो गया। तो फाइनली जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो मिलेगा आई एल बराबर √3 IP, और जैसे ही इसको हम आई पी स्क्वायर, जैसे ही इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है √3 IP। ठीक है, आई एल बराबर √3 IP, दैट मीन्स
लाइन करंट जो है वो √3 × फेज करंट होता है, ठीक है। लाइन करंट बराबर √3 × फेज करंट होता है, क्योंकि स्टार में क्या होता था, स्टार में हमने देखा था कि लाइन करंट जो है वो लाइन वोल्टेज होता था √3 × फेज वोल्टेज। यहाँ पे करंट के लिए ये रिलेशन आता है कि लाइन करंट बराबर √3 × फेज करंट, ठीक है। और जैसे ही हमने ये देखा, ठीक है, कि लाइन करंट हमारा √3 फेज करंट है, तो हमारा दिमाग आएगा वोल्टेज का मान क्या होगा। तो वोल्टेज के लिए मैं अगर फिर से यहाँ पे आपको एक जस्ट बताऊँ, तो ये हमारे साथ एक लाइन थी, एक लाइन थी, एक लाइन था, ठीक है। अब मुझे बताना, ये है मान लो बी था, ये आर था, ये वाई था। मैं कहता हूँ कि इसके इसके फेज लाइन है, इसके इसके बीच का वोल्टेज क्या होगा। तो आपने कहा कि वी बी आर होगा, या ई बी आर भी कह सकते हो, या वाई बी आर कह लो, ठीक है। और इसके इसके बीच का वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज ही तो है, ठीक है। ये क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोरिलेशन है, जब पैरेलल सर्किट ही तो है, समांतर क्रम तो है। और समांतर क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज आपस में बराबर होते हैं, जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा, ठीक है, और जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा, ये मैंने बताया भी हुआ है। तो इस केस में हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा फेज वोल्टेज होता है, या हम कह सकते हैं लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाता है रिजल्ट, ठीक है। तो क्या हमने सीखा इसमें, इस डेरिवेशन में दो एक्सप्रेशन, इसको याद रखना है, डिराइव करने को एग्ज़ाम में आएगा। फॉर डेल्टा कनेक्शन IL बराबर √3 IP और VL बराबर VL बराबर VP, ठीक है। ये डेल्टा के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। चलो तो अभी इसको ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट डिस्कस करें अगला टॉपिक। थैंक यू।